मिस्टेक है, मैं अगर स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा आपको, दिखा वो भाई क्या क्या हुआ अंकल, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब मार दिया करो। वो इतना पेट्रोल खत्म हो गया था क्या? अरे मेरे लिए जगह छोड़ो क्या? थैंक यू। जा एकदम, है ना, तेरे लिए तो बाप का राज है, भूत जा एकदम। अब सारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तेरे को बड़ा स्पीड पड़ा हुआ है पल्सर में आके, ना पास में डालने से कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय महादेव। तो राइड स्टार्ट होता है अभी और चलते हैं भूतेश्वर नाथ मंदिर। सबसे पहले तो गाड़ी को थोड़ा खिलाया पिलाया जाए, क्योंकि 150 किलोमीटर करीबन है, 130-135 किलोमीटर है यहाँ से। गाड़ी अगर खाई पी रहेगी तो हमें भी सुविधा होगा, गाड़ी को भी सुविधा होगा। तो पहुँचो या आराम से पहुँचो या जल्दी पहुँचो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सही सलामत पहुँचो। भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम विवेक शाह है और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स राहुल भिलाई। चलिए शुरुआत करते हैं भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए, 136 किलोमीटर के लिए। चलिए अब हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। ओह सॉरी, साइड लाइट दिखाया नहीं, और मुड़ गया मैं। पेट्रोल तो भरा लिया जाए। पाँच सौ दस का डालो ना। हाँ स्पीड 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 स्पीड। चलो भाई पेट्रोल भरा और चले अब 130 किलोमीटर। चलो भाई 510 रुपये का पेट्रोल हो गया है, पेमेंट किया जाए और निकलते हैं। पीछे तो लाइन नहीं है। तो भाई अभी दिन का सीन तो ये है, देखिए भीड़ भाड़ तो नहीं है फिलहाल तो। और चलो चलते हैं, मैं महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। रास्ते में ध्यान दीजिएगा बजरंगबली। वाइफ के साथ नहीं जा रहा हूँ आज, मैं अकेले जा रहा हूँ, सो लेट्स गो। तो भाई लोग पहुंच गए हैं रैसाली, ये मरोदा डैम बोलते हैं ज़्यादातर इसको, मरोदा पहुंच गए अपन। चलो अब ब्रिज चढ़ के से रैसाली होके पाटन निकलेंगे फिर उसके बाद अपन। तो फिलहाल तो सबसे गंदा ब्रिज तो मैं इसको कहूँगा कि इतना बेकार ब्रिज बनाया है जो ये रैसाली को कनेक्ट करता है मरोदा और सेक्टर से, एकदम बेकार है। तो ये है रैसाली का एक्चुअली, यहाँ CSF, देखिए पूरा CSF कॉलोनी है। जितना भी राइट है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, पूरा CSF कॉलोनी है। और मैप में देख के बता रहा हूँ मैं, ये पूरा CSF कॉलोनी पड़ता है। घर भी है अंदर और हेडक्वार्टर भी है और ट्रेनिंग ऑफिस, ट्रेनिंग प्लेस भी है, मतलब सब कुछ यहीं पे होता है जो है ना, ये सब यहीं का है। रैसाली में जहाँ तक CSF के लिए दिया गया है प्लेस, क्योंकि हेडक्वार्टर में नहीं धरी है इनका। तो अभी हम लोग टच करते हुए निकलेंगे, अभी उतना ही पहुँचे नहीं है, उतना ही हम लोग का यहाँ से दूर है। ये मरोदा रैसाली बोलते हैं, मरोदा रैसाली बोलो या मरोदा उतना ही बोलो, मरोदा रैसाली ज़्यादातर बोला जाता है। ये CSF का एरिया होता है पूरा, ये देख रहे इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री वॉल खड़े करके रखे हैं ना, ये सब CSF का है। और स्ट्रेट होते हुए अपन उतना ही टच करते हुए सीधा निकलेंगे पाटन। देखिए भाई उतना ही पहुँच गए हैं, टच कर लिए उतना ही। और अगर मैप में आप देखोगे तो इंग्लिश में उतना ही लिखा रहेगा और हिंदी में उठा ही लिखा हुआ है, मतलब ये गूगल की ज़्यादातर मिस्टेक है। मैं अगर स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा आपको, दिखेगा। और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा नहीं, शेयर बिल्कुल करते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए मैं पैसे खर्च करके हर जगह जाकर बनाऊँगा। और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं राजिम, 63 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, राजिम टच करेंगे हम लोग। उसके बाद वहाँ से होते हुए चलेंगे भूतेश्वर नाथ मंदिर। अभी हम लोग 15 किलोमीटर करीबन टच कर चुके हैं, अब उतई मार्केट से होते हुए निकलेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए उतई मार्केट है, थोड़ा सा झलक देख लीजिए। तो ये मैं इसका वीडियो फुल वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाइए और देखिए और सपोर्ट जरूर करिए। सो फ्रेंड्स इधर से देखिए राइट जाएंगे तो मार्केट घुसेंगे और लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से सीधा उतई गोंदिया, ऐसे बहुत सारे एरिया यहाँ से ओपन होता है। बहुत अच्छा प्लेस है, शिव मंदिर देखो भीड़ लगना चालू हो गया है। यहाँ पे बटेगा हमारा खिचड़ी, ये रहा हमारा शिव मंदिर, भीड़ तो ज़बरदस्त है भोलेनाथ को मिलने के लिए। हम भी पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचिए, आशीर्वाद बनाए रख भाई। अभी तो पहुँच के पाटन, अपन यहाँ पे देखिए पाटन शहर है, टाउन है या विलेज है, जो आपका ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही शहर बोला जाए तो एक प्रकार का टाउनशिप बोलते हैं सबसे, तो शहर तो अलग होता है, ये टाउनशिप है। पाटन टाउनशिप में पहुंच गए हैं अपन और ये शुरुआत का है। चलिए अंदर मैं दिखाता हूं आपको, पूरा पाटन से ही गुजरते हुए जाना है अपन। ये देखिए ये है पाटन का मार्केट। एक हमारे दुकान में एजेंट आते हैं, वो शायद युवा कंपनी के है, नवनीत कंपनी के, मतलब युवा उसी कंपनी का नाम है शॉर्ट फॉर्म में, यहीं पे रहते हैं पाटन में। चाहूँ तो अभी कॉल लगा के, लेकिन वो अभी निकल चुके होंगे। देखिए ऐसा है पाटन यहाँ का। और आप अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो जो राजीम का था वीडियो ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको देखना भूलिएगा नहीं, उसमें जाइएगा और सब्सक्राइब शेयर करिएगा नहीं। ये पाटन थाना है, पाटन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीछे चले गया, और ये छोटा सा बढ़िया सा मार्केट है, अच्छा सा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया सा गाँव है। देखिये उधर अगर देखेंगे तो कॉलोनी पड़ता है, ये पूरा मार्केट एरिया है। और यहाँ देखिये यहाँ भी थोड़ा जबरदस्त तरीके से मार्केट बिखरा हुआ है, ये देखिये पूरा मार्केट है पाटन का। अभी क्योंकि अभी फिलहाल नाम बज रहा है, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ, अभी बज रहा है 10:07 और मार्केट ओपन हो रहा है फिलहाल। देखिए टाइल्स बेचने वाले लोग हैं, ये रोड भी अभी बन ही रहा है, अभी मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले आया था तो रोड बन ही रहा था। ये पूरा मार्केट देखिए ऐसा चालू हो गया है बनना, मतलब ये उखाड़ा गया है पत्थर तो किनारे में लगा दिया गया है हर दुकान के सामने, अभी रोड बन ही रहा है। और चलो पाटन से निकलते हैं भाई, पाटन वाले लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और लाइक करिएगा जरूर। चलिए यहाँ से निकलते हैं और राजीम होते हुए टच करते हुए जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे तो फिर राजीम घुसेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ से रायपुर भिलाई साइड जाना है तो आप ये रोड पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मोतीपुर भिलाई 3 कुम्हारी रायपुर, सब ये यहाँ से ही रोड डायरेक्ट जाता है रायपुर, मतलब रायपुरा भी जाना चाहोगे ना तो यहीं से वो रोड मिलेगा आपको, डायरेक्ट पाटन से होते हुए जाना पड़ता है। और इस साइड हम लोग राइट साइड मुड़े हैं, जिस साइड हमको जाना है राजीम को, तो ये यही रोड है जो राजीम हम लोग को टच करवाएगा। चलो फ्रेंड्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अरे भाई किसे अंकल की गाड़ी खराब हो गई क्या? क्या हुआ अंकल, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ढकेल दू चले जाओगे? ढकेल दू, चलिए चलिए उस साइड से ढकेलता हूँ, इधर से ना गियर मारना रहता है ना। चलिए देखो भाई मदद कर दिया करो, ज़्यादा दूर भी नहीं है पेट्रोल पंप यहाँ से, जाऊँगा आऊँगा उतना देर में पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा ढकेल दोगे तो हेल्प हो जाएगा, आप ही का फ़ायदा है और किसी का नहीं है, कभी आपको हेल्प करने कोई आ जाएगा। पेट्रोल जाना है, एजेड इंसान है, कब तक गाड़ी ढकेलेगा व्यक्ति? अंकल ब्रेक मार दिए थे तो उसके हिसाब से चलेगा आदमी, उनको भी अपने हिसाब से चलना है। चलो चलो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब मार दिया करो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे को। तो वैसे पाटन के बाहर मैं जा ही रहा था, रुका था, देखा तो अंकल जी चालू कर रहे हैं, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, मैं बोला पूछ लिया जाए, ऐसे ही हेल्प कर रहा था पिछले बार, तो पिछले व्यक्ति ने हेल्प नहीं मांगा, बोला कि भैया पहुंच जाऊंगा घर के, बोला हलो ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल पंप दूर दूर है ना, पास में भी नहीं है कि यहाँ पर पहुँच जाए आदमी, दूर में है तो इंसान कैसे कैसे करेगा। और इधर नहीं पाटन से सीधा आउट स्टार्टिंग में मिलता है पेट्रोल पंप, और नहीं तो आखिरी से बाहर 2-3 किलोमीटर आउट हो जाता है पेट्रोल पंप, यही हिसाब है। पास में तो बना नहीं है, दूर दूर में बना है। और ये देखो 1 किलोमीटर बोल रहे थे, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। कितना दूर तक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति था, कितना गाड़ी इतना दूर आया, देखो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ गया पेट्रोल पंप। हाँ ये पहुँचे देखो, ठीक है अंकल जी। तो भाई ऐसी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी कोई मिले रास्ते में तो हेल्प करना भूलना नहीं, शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। तो अपन निकल चुके अपने राह में भूतेश्वरनाथ मंदिर के लिए, मज़ा आ रहा है खूब, एक नंबर हवा चल रहा है एकदम, रोड तो पूरा खाली है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी कौन सा जगह है कुछ नहीं पता, मेरे को याद भी नहीं है, मैं ध्यान भी नहीं दिया ये कौन सा जगह है, पर यह है कि मैं यहाँ पे शायद अंदर कॉलेज वॉलेज है,
वहाँ से दिख रहा है दूर से, नर्सिंग कॉलेज है ये, बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल है यार, एकदम ज़बरदस्त हवा चल रहा है, नहीं हवा तो चल नहीं रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ज़बरदस्त हवा आ रहा है एकदम, तेरा हेडफोन ही बार बार उठ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे इंटरनल हेडफोन, हेलमेट वाला वो भी महंगा आता है, सस्ता तो आता नहीं है सारा, 4000 रुपये लग जाता है। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं, पता नहीं लेकिन ये हाईवे है, नेशनल हाईवे ये भी है। इधर से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट टर्न और महाशायद आई थिंक ये रास्ता महासमुंद होते हुए जाता होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये रास्ते में आया हूँ, ये महासमुंद होते हुए जाता है। चलिए भोलेनाथ का दिन है, जय भोलेनाथ जय महाकाल बोलते हुए निकलते हैं। देखो रुकने का जगह बता रहा ना, ये जस्ट यहाँ रुकना चाहिए, ये लाइन के पीछे रुकने का जगह है, लेकिन हम लोग फिर भी ये आगे हैं, कभी भी क्रॉसिंग पे नहीं रोकना, क्रॉसिंग में कम से कम 1 मीटर पीछे होना चाहिए, 1 से 1.5 मीटर पीछे होना चाहिए, और जिस साइड मुड़ना है उस साइड का लाइट जला दो। चलो देखो अभी 56 सेकंड्स बचे हैं, देखो भाई हीरो है हीरो, रूल्स फॉलो करो, आने वाले जनरेशन को सिखाओ कुछ। यहीं पे मेरे को पुलिस से रोक पाया था। चलते हैं राइट साइड मुड़ना पनखो, इधर से यहाँ पे मैं रुका था आगे, अभी तो कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है क्योंकि चल क्या रहा है, हे महादेव। अब इधर से मुड़ेंगे लेफ्ट, हम लोग सीधा जाना है, हम लोग को राजीम होते हुए जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा जगह है मैं को पता नहीं चल रहा है, नाम भी कहीं लिखा नहीं, पढ़ के बता दूँ आपको, ये धमतरी रोड है एक्चुअली में। चलो 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 अभी धमतरी में है, मतलब धमतरी रोड में है, धमतरी में है कि नहीं वो नहीं पता, ये धमतरी रोड है। चलिए अभी राइट जाना है अपन को, राइट साइड से ये एक्चुअली बस स्टैंड है। वाह फल की दुकान तो बढ़िया लगे हुए हैं यहाँ पे, रोड की हालत तो एकदम ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके। आ रहा देखो कैमरा दिखेगा ना, आ रहा ये बगल में आया, हाँ ये बाप रे बाप, इसका देखो तो तेरी, अबे ये तो एक्सीडेंट को पूरा भींच के रखा है एकदम, अब इसको कौन समझाए। अरे भाई इतना स्पीड चलाने से कोई इंसान समझदार होता है कि क्या चूतिया पार कर रहा है बे, अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया था क्या। तेरी जात का पेट्रोल खत्म हो गया था इसीलिए दबा रहा था। तो भाई देख लिए ना, चलो यार स्पीड मत दबाना, एक्सीलेटर देने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी वो एंड बजेगी। और हाँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, शेयर करिएगा। तो भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये दिख रहा है ना आपको वो इतना स्पीड से जा रहे हैं महान अंकल जी, थोड़ा सा आराम से चलो। और देख रहे हो ये ओवरलोड, यही मरवाता है ओवरलोड। हम लोग को तो होशियारी करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये जो ओवरलोड है ना ये ऐसा फाड़ेगा ना अच्छे से, ज़िंदगी भर याद रहता है ये चीज़। तो फ्रेंड्स राजिम पहुंच चुके हैं अपन, जहां से राजिम लोचन मंदिर करीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, और ये हम लोग राजिम में इंटर कर चुके हैं समझो, और इंटर करने के बाद अभी जस्ट चौक आएगा एक तो, वहाँ से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ो, राइट मुड़ो को तो मंदिर तो एकदम टच में है, हम लोग को लेफ्ट मुड़ते हुए जाना है क्योंकि हम भूतेश्वर नाथ मंदिर जाना है हम लोग को। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं लगातार 70 किलोमीटर, हाँ करेक्ट 70 किलोमीटर चलते हुए आ रहा हूँ। ये रहा राजिम का मेन चौक, दिख रहा ना, इधर से डायरेक्ट मंदिर पड़ता है, और इधर से पूरा आप मेला वाला घूम सकते हो, और जो झूला लगा है वो सब रास्ता पड़ता है, ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। देखो ट्रैफिक पुलिस को सामने में एकदम सतर्क खड़े हैं यहाँ पे, और ऐसा ही होना चाहिए, इसी टाइप का रहेगा, ट्रैफिक पुलिस तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अभी शायद कुछ देखे नहीं हो, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ना यार, इधर से जगह देता हूँ यार ना उधर से, पता नहीं क्या चला रहा है गाड़ी, ये बाबा भीड़ चालू हो गया, पता नहीं आगे मिले कितना जगह है कितना नहीं। स्वागत है आपका राजिम में, एकदम शादी पार्टी का बारात चलता है ना वैसे ही एकदम पूरा हाल है, और एकदम धमाल चल रहा है, अरे साला रैली निकल रहा है यार, अब क्या करूँ, शूट नहीं कर पाऊँगा, दिक्कत तो वही है।
क्योंकि नीचे उतरने भी नहीं देगा उन लोग, जाम करके रख दिए पूरा। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, लाइक इट आई लाइक इट। अरे मेरे लिए जगह छोड़े हो क्या? थैंक यू, मैं अच्छे लोग है देखो तो, जबरदस्त ट्रैफिक में मेरे लिए छोड़े हैं। अरे जबरदस्त फंसा दिया है यार, जबरदस्त। तो चलो चलो चलो, यहाँ से तो मुड़ना एकदम वर्जित कर दिया गया है, आगे से मुड़ के आना पड़ेगा अंदर। ओ तेरी क्या भीड़ रे बाबा, ऐसे ना करियो, ओए जाने दो रे बाबा। अरे हटो साइड, सुनाई नहीं देता है क्या? माँ कसम, ऐसे घड़िया लोग है ना, हम तो समझा समझा के पागल हो जाते हैं। गूगल तो पहले बोला मत जाओ रे बाबा, गूगल तो पहले ही बोल दिया गूगल बाबा नहीं जाने का इधर। राजीव में देखो कितना भीड़ है। हाँ तू घुस जा एकदम, है ना, तेरे लिए तो बाप का राज है, घुस जा एकदम गाड़ी के नीचे। माँ खराब। हाँ सर पुलिस ऑफिसर, मालिक लोग, हम लोग आ गए हैं मंदिर से, आउट हो गए हैं एकदम, आउट एरिया में हो गए हैं, मतलब लाजिम लोचन मंदिर से बाहर आ गए हैं। अब निकल रहे हैं सीधा भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए। निकल के तो इधर तक पहुंच गए हैं, गरियाबंद पहुंचने ही वाले हैं अपन। ज़्यादा नहीं है, 45 किलोमीटर है, और रोड तो ऐसा तबाही रोड है कि मैं क्या बोलूँ भाई। ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोडिंग गाड़ी लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है समझो। मैं बना दिया हूँ इतने ज़बरदस्त तरीके से, रखा अपनी गाड़ी को तो ऑफ रोडिंग तो बनेगी ना। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा ना, मेरे को दिख रहा है ये रोड की कैसी लगी हुई है, अब देखे होंगे शायद ऊपर चढ़ते हुए। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा ये रोड है, देखो ये नीचे का रोड है। साले लोग काटे नहीं है डायरेक्ट, ये रोड हो तो ठीक है, शायद ये रोड वो काटे नहीं है और डायरेक्ट कर रहे हैं। वाह रे वाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भूतेश्वर नाथ मंदिर 34 किलोमीटर, देखिए कितने सारे चीज़ लेके, जहाँ जहाँ जाना है भाई यहाँ से आ सकते हो आप। गरियाबंद भी रास्ते में पड़ेगा, तो भूतेश्वर नाथ भी जाना है। थोड़ा ब्लॉग हो रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहिएगा। एक नंबर जगह है, रोड बहुत अच्छा है, साइड में जो पेड़ दिया है ना उसके वजह से और मस्त लगता है। अभी यहाँ मतलब गरियाबंद का 22 किलोमीटर जो बचा था, उस रोड से अगर देखेंगे तो रोड बहुत चकाचक बना है एकदम, देख सकते हो आप भी, एकदम मस्त हाईवे बना है और शानदार जगह है। आजू बाजू देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हैं, खूबसूरत सा माहौल है, नेचर के साथ रहने यार मज़ा ही कुछ और है। तो देखो 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 नेचर देखो, प्यारा सा ये नेचर देखो, धूप सा ये नेचर देखो, देखो देखो पेड़ देखो, रोड देखो छाया देखो, धूप देखो देखो देखो, रोड देखो छाँव देखो, शांति देखो, प्यारा सा हवा देखो, खूबसूरत सा नज़ारा देखो, पहाड़ों से गुजरा देखो, कितना प्यारा प्यारा नेचर, सबका नेचर सबका प्यारा, हमारा प्यारा धरती हमारा भारत माँ हमारी माँ, देखो देखो नेचर देखो। यार ये नेचर देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है, जो हवा चल रहा है ना कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या मैं बताऊं आपको। अब सारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, देखो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत लग रहा है नेचर। वाह एक झोपड़ी है यहाँ पे, चाय शॉप हो गया फिर रेस्ट हो करने के लिए। तो भाई गरियाबंद पहुँच गए हैं अपन, और यहाँ से शुरुआत हो जाता है गरियाबंद मार्केट का। देखिए बढ़िया बढ़िया मार्केट है, तो बढ़िया यार ये तो अच्छा है। भूतेश्वर नाथ मंदिर 4 किलोमीटर पड़ता है इस जगह से, बोर्ड से 4 किलोमीटर पड़ता है। चलो दर्शन करते हैं महाकाल का, हमारे महादेव जी का दर्शन करते हैं, जिस चीज़ के आए थे दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और देखते हैं क्या होता है आगे। फिर ना हो जाओ छुरी छुरा, मंदिर किस साइड है, मंदिर मंदिर किस साइड है, मंदिर मंदिर किस साइड है, मंदिर महादेव का मंदिर किस साइड है, सीधा यहाँ से ऐसे। चलो चलते हैं, ओ गॉड ये रहा भूतेश्वर नाथ मंदिर।
देखो भाई यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से मुड़ना है। गूगल मैप से यहाँ पहुँच जाओगे तो उसके भरोसे कहीं भी मुड़ मत जाना, सारा मेरे को कहीं भी घुसार दिया था, है ना। भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए सीधे ही आना पड़ेगा और रास्ता दिया हुआ है। चलो चल चलो चलो, अरे गूगल में भीड़ तो रोड पे उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम चल रहा है, हलवा हलवा बना रहे हैं लोग, रास्ते में पानी बांट रहे हैं। चलो पहुँच ही गए। हाँ तो भाई इधर से तो निकल गए अपन, बाहर आए हैं, इधर से सीधा सीधा जाना है शायद मेरे ख्याल से भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए, और वहाँ जाके पता चलेगा कितना भीड़ है और कितना भीड़ नहीं है। ओहो सब अपना पैदल पैदल कदम बढ़ाए चलो चल रहे हैं। है कि आउटर में ही रहेगा क्योंकि शिवलिंग है ना, देखो ईटा कैसे बनाते हैं, देखो ईटा कैसे बनाते हैं, देखो यार धूल तो बहुत ज़बरदस्त है, कम से कम रोड बनवा देना चाहिए था यार। ये देखो लोग जा रहे हैं एकदम अपना अपना स्टाइल मार के, ये देखिए जा रहे हैं दर्शन के लिए, महादेव के दर्शन के लिए। पता नहीं पार्किंग का तो कहीं जगह ही नहीं दिख रहा है कि लोग पार्क कर सकें। बाप रे बाप, अच्छा पार्किंग का इधर दिया, लेकिन कोई तो हो तो अपना पार्क कर पाएगा आदमी, और दूर पार्क करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पार्किंग का दिया है, कार लोग को आगे अलाउ नहीं कर रहा जाने का। देखिए फल वल यहाँ पे तरबूज अरबूज बिक रहा है एकदम दबा के, सब दर्शन के लिए आए हैं, बिना कोई दर्शन के तो जाएगा ही नहीं। पता नहीं दर्शन करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि लाइन है क्या है। अरे लाइन होगा तो पागल हो जाएगा आदमी। ये रहा मेन, इधर से छुली में मुड़ना है। देखो महाकालेश्वर लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है, भूतेश्वर महादेव मंदिर। तेरे को बड़ा स्पीड पड़ा हुआ पल्सर में आके, हम तो हम आखिरी तक जाके गाड़ी खड़ा करेंगे। क्या जबरदस्त भीड़ है रे बाबा, भूतेश्वर नाथ मंदिर के लिए आए दर्शन के तो भीड़ तो बनता है ना। बोल बम बोल बम। अरे यार जगह होना चाहिए ना भी, ना पास में डालने से मतलब नहीं है। अरे पार्किंग वाले नहीं है यार, कैसे भी डाल देगा आदमी, थोड़ा होता है ऐसे। हाँ गाड़ी में इतना सामान लगा है, तेरा पप्पा पैसा देगा, कुछ चोरी होगा तो। पार्किंग आगे भी है ना, हम आगे डालेंगे नाथ, इधर डाल दू क्या, इधर डालो। धूप में नहीं लगाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास पहुंच गए अपन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाई भिलाई से यहाँ आने में हाथ खराब हो जाता है, शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए चैनल में। तो मिलते हैं मंदिर के पास अब सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।